तो ठीक है सुनो, ये इन्होंने ऐसे बताया है कि ये जो इनके बच्चे हैं ये साइकिल लेना चाहते थे, साइकिल बोलो क्या लेना चाहते थे। और इन्होंने क्या किया कि जो भी पैसे, क्योंकि ये गरीब है, ये भी बहन, इसका जो पति है वो भी मेहनत करता है, ये भी मेहनत करती है साथ में, तो दोनों ये पति पत्नी मेहनत कर रही हैं और अपने बच्चों को जो भी खर्च के लिए, बच्चे खाते पीते हैं ना, तो जो भी खाते खाने के लिए इनकी बच्चों को चीज़ें चाहिए ना खाने के लिए, तो जो पैसे दे रहे थे वो पैसे एक गोलक में ये जमा कर रहे थे। वो पैसे क्या कर रहे थे, एक गोलक में जमा कर रहे थे कि हम साइकिल लेंगे। क्या लेंगे, हम साइकिल लेंगे, साइकिल। पर हुआ क्या, बोलो क्या है? तो इन बच्चों के ऐसे मन में ऐसे आया कि जैसे मैं अनाउंस कर रहा हूं खुदा के भवन के लिए, तो उन्होंने कहा साइकिल की जरूरत हमें कम है, पहले खुदा के भवन की जरूरत है। बोलो क्या है, साइकिल कोई बात नहीं बाद में लेने के, पहले उन पैसों की जरूरत जो हम इकट्ठा कर रहे हैं किसके भवन के लिए जरूरत है। तो ये जितना भी इकट्ठा किया कि गोलक में दिखाऊं उसे निकालो, ये देखो ये जो गोलक है छोटा है, आप हिसाब लगाओ कि इसमें कितने पैसे हो सकते हैं। बोलो क्या लगाओ, कितने पैसे हो सकते हैं इससे। तो आप सोचो कि शरीर में के कैसे भवन ले सकते हैं। बोलो क्या है, शरीर में सोचेंगे तो कैसे भवन ले सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, इतने पैसों से ले लेंगे। इन बच्चों के ने जो भी इकट्ठा किया है तो इनसे क्या आएगा। हमारा खुदा वो है जो 5 रोटी और 2 मच्छियों से भी 10 से 15 हजार लोगों को रजा सकता है। हाँ, क्योंकि जो हम बाइबल में पढ़ते हो ना, 4,000-5,000 की वो भीड़, वो 5,000 की भीड़ नहीं थी वो। अब ध्यान से पढ़ो तो वहां लिखा उनमें बच्चे, बुजुर्ग ऐसे और भी थे, तो उससे वो भीड़ की गिनती ज्यादा हो जाती। तो 2 मच्छियों से 5 रोटियों से वो इतने हजारों लोगों को रजा सकता है। तो इनके इतने के धन से ही खुदावंद, वो मुझे विश्वास है वो पूरा कर देगा। आमीन। ये एक दिल है। पहले देखो बच्चों ने अपने जैसे बच्चे खाने पीने की चीजों के कितने क्या होते हैं, नहीं दो तो कितनी जिद करते हैं, रोते हैं, पता है कि नहीं पता। पर इन्होंने जितने दिन भी ये इकट्ठा किया वो अपनी खाने वाली चीजों को क्या कर लिया, बंद कर दिया, और फिर जो इकट्ठा किया वो भी ले आई। ये इनके मदर बोल रहे थे अभी और इकट्ठा करते हैं फिर देंगे। मैंने कहा नहीं, जो इन्होंने जिस मन से किया है ये इतना ही बहुत है। आमीन। और इसकी खुदा आपको स्वर्ग से इतनी, बच्चों आपके बच्चों को मेरी बहन इतनी आशीष देगा ना, क्योंकि वो रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दिलों को, हृदयों को, गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर। बोलो क्या है? इन्होंने बताया है, जो बता रहे कि जब जे बच्चे गुल्क में पैसे डालते थे तो उस समय जे तीनों ही रोज ऐसे लिखते थे मैंने इतने डाले, मैंने इतने। पर जिस दिन इन्होंने बच्चों ने मन बनाया कि हमने परमेश्वर के भवन के लिए देने, तो उस दिन से इन्होंने गिनने शुरू नहीं किए। इन्होंने, इनके मदर ने इनको सिखाया कि आप जितने भी डालो आपने अभी परमेश्वर के लिए डालने, अभी गिनने नहीं है। जब पहले डाल रहे थे तो लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। समझ आ रही मेरी बात? पर जिस दिन खुदा के लिए मन बना लिया उसको देने, फिर लिखने भी बंद कर दिए। आपको इतनी आशीष देगा, बाइबल कहती रखने की जगह, क्योंकि जिसका देने का मन है। देखो इससे मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि छोटे बच्चे कैसे उन्होंने अपना मन ऐसे दिल
मुंह को रोक कर, क्योंकि मुझे पता, मुझे भी अपना बचपन याद आता है ना, बोलो क्या है? ये बड़ा औखा है। तो प्रेरित जी जे भी बताया कि परसों इनकी बड़ी बेटी का बर्थडे, और बर्थडे पर इन्होंने जे गिफ्ट करना था इनको बच्चों को। अच्छा जी, जो जे यहाँ पे लेकर आ गई उस खुदा के लिए और इनके लिए अपने हाथों को उठाओ, सब अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू निश्चय जो इन्होंने मन बनाया है, सब अपने हाथ को इनके ओर करो। खुदाबंद तूने स्वर्ग से वो आशीष और वो बरकत जो 5 रोटी और 2 मछलियों पर तूने दी, वो ने आशीष आप स्वर्ग से दे चुके यीशु मसीह को। आमीन, आमीन। ओके, ये बहुत है, ये थोड़ा नहीं है। बोलो क्या है? ये बहुत है। ओके, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? पापा जी मेनू बड़े दी ते घट खुशी है, इत्थे पैसे दे इन्हां दित्ते बच्चियां ने, मेनू बहुत ज्यादा खुशी हुई अज। बोल गए बड़े दी घट खुशी है, पर जो इत्थे खुदा लई कीता है ओदी ज्यादा खुशी। और किन्नियां नू पता कि परमेश्वर सानू वेखदा है? किन्ने लोग विश्वास करदे ने कि परमेश्वर सानू वेखदा? इसे करके मैं शुरू से लेकर आज तक मैंने कोई गलत चीज नहीं की, क्योंकि मैं यही डरता है कि परमेश्वर में देखता, वास भी देख रहा है। बोलो क्या है? वास भी देख रहा है। ठीक है, परमेश्वर आपको बरकत दे, बहुत दे, बहुत।